बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद सलमान अफजल और आज का हमारा टॉपिक है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। सबसे पहले एरर्स और अनसर्टेनिटीज के मीनिंग्स जानते हैं। एरर्स का मतलब गलतियां और अनसर्टेनिटीज का मतलब गैर यकीनियत। हम जब भी कोई पैमाइश लेते हैं, चाहे वो किसी आम से पैमाने से स्केल से ली गई हो या वर्नियर कैलिपर से ली गई हो या माइक्रोमीटर स्क्यूगे से ली गई हो, और मेजरमेंट लेने वाला चाहे मैं हूं, आप हो या कोई बड़ा एक्सपर्ट साइंसदान हो, उसकी मेजरमेंट के अंदर थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं एरर या अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। अब जानते हैं कि एरर्स और अनसर्टेनिटीज का आपस में क्या ताल्लुक है, एरर्स और अनसर्टेनिटीज कैसे मेजरमेंट्स के अंदर आती हैं। इसके लिए मैं एक सिंपल सी मिसाल दूंगा। जैसा कि हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी का जो आपस में ताल्लुक था, इसी तरह से एरर और अनसर्टेनिटी का आपस में ताल्लुक है। हमने पढ़ा था कि स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, जबकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो इसका मतलब दोनों की डिपेंडेंस डिफरेंट थी। स्पीड की डिपेंडेंस डिस्टेंस पे थी और वेलोसिटी की डिपेंडेंस डिस्प्लेसमेंट पे थी, जबकि ये एक स्केलर मिकदार थी और है भी, और ये एक वेक्टर मिकदार है। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड, इसकी डायमेंशन LT-1, इसकी डायमेंशन भी LT-1। इसका मतलब इन दोनों में जो मेन फर्क था, डिफरेंस था, वो डिपेंडेंस का था। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है स्पीड, जबकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। इसी तरह से कुछ एरर और अनसर्टेनिटीज में दोनों में जो फर्क है वो अकरेंस का है। एरर्स किसी और वजह से अकर होते हैं और अनसर्टेनिटी की आने की वजह कुछ और। आइए अब जानते हैं कि किस तरह से रीडिंग के अंदर, मेजरमेंट के अंदर, पैमाइश के अंदर एरर्स आते हैं और किस तरह से मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटीज आते हैं। हालांकि ये चीजें आगे चल के हम एरर्स की बजाय अनसर्टेनिटी का वर्ड यूज किया करेंगे, क्योंकि एरर्स और अनसर्टेनिटी सेम मीनिंग, सेम वर्ड्स, सेम चीजें हैं, बस इनके डिफरेंस, बस इनमें जो डिफरेंस मेन है वो इनकी अकरेंस का है, इनके अपीयर होने का है, इनके मेजरमेंट में आने का है। तो आइए जानते हैं कि एरर्स किसी रीडिंग में किस तरह से अकर होते हैं। सो reasons of occurrence of error, इसी तरह से reasons of occurrence of uncertainty। सबसे पहली वजह किसी measurement में error के आने की वो क्या है? That is negligence। और inexperience of a person। मैंने जिसको मेजरमेंट लेने के लिए कहा या आपने किसी को मेजरमेंट लेने के लिए कहा, वो मेजरमेंट लेते हुए negligence का मुजाहरा कर रहा है, तो जो सही नहीं देगा, सही अदर तो जो उसकी तो जो है या फिर क्या है, वो इनएक्सपीरियंस है, पहली दफा वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उसका जो जवाब आएगा, उसकी जो मेजरमेंट होगी, उसमें एरर आएगा, एरर अकर होगा। तो एरर के अकर होने की सबसे पहली वजह, एरर के मेजरमेंट में आने की सबसे पहली वजह नेग्लिजेंस या इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन है। उस बंदे के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है या अदम
अदम तवज्जो है, उस पर तवज्जो नहीं दे रहा, उस पर सही तरीके से पूरा अपना फोकस नहीं दे रहा, जिस वजह से जो मेजरमेंट लेगा वो क्या होगी, उसके अंदर एरर शामिल होगा। आइए जानते हैं दूसरी वजह एरर के अकर होने की, मेजरमेंट में एरर के आने की दूसरी वजह, दैट इज फॉल्टी ऑपरेटर्स। अगर आपका ऑपरेटर्स जिससे आप मेजरमेंट ले रहे हैं वही फॉल्टी है, वही खराब है, तो क्या नतीजा निकलेगा, आपकी हर वैल्यू, हर रीडिंग, हर मेजरमेंट के अंदर एरर है। सो दूसरी बड़ी वजह एरर के मेजरमेंट में आने की, दैट इज फॉल्टी ऑपरेटर्स। आपको जो ऑपरेटर्स दे दिया गया था दैट इज फॉल्टी, आपके इसमें कसूर नहीं, जो ऑपरेटर्स है वही खराब है, तो जब भी पैमाइश लेंगे उसमें गलती आएगी, एरर आएगा, गलत जवाब आएगा। तीसरी वजह इन अप्रोप्रिएट मेथड, और टेक्निक आप जो तरीका का उस मेजरमेंट को लेने का इस्तेमाल कर रहे हैं वही सिरे से गलत है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं इसकी लंबाई मेजर कीजिए, और आप इसकी लंबाई मेजर करने के लिए यहां से यहां तक मेजरमेंट लेनी थी, आप बजाय यहां रख देंगे यहां से मेजर करना शुरू कर देते हैं, तो आया आपका जवाब दुरुस्त आ सकता है, नेवर। इसका मतलब अगर आप इन अप्रोप्रिएट मेथड यूज करेंगे, टेक्निक यूज करेंगे, तरीका का इस्तेमाल करेंगे मेजरमेंट लेने के लिए, तो आपके जवाब में श्योरिटी है कि आपके जवाब में एरर आएगा, गलती आएगी, गलत जवाब आएगा, थोड़ा ना थोड़ा, ज्यादा थोड़ा उसमें एरर मौजूद होगा। ये थी एरर के आने की तीन बड़ी वजह। अब मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी कब आती है, अनसर्टेनिटी कब आती है, दैट इज आल्सो एरर, ये एरर ही है, लेकिन फर्क एरर से इसका क्या है कि इसकी अकरेंस, इसके रूजमा होने की, इसके अपेयर होने की रीजन डिफरेंट है। तो इसकी सबसे पहली वजह इन एडिक्वेसी और लिमिटेशन ऑफ ऑपरेटर्स। आपने जो ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, वो उसके लिए काबिल नहीं है, उसकी लिमिट, उसकी हद से, उसकी इनएडिक्वेसी, उसकी 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 जो हदूद है, उसकी जो समझ ले उसके लिमिट से बाहर है, क्या करना, पैमाइश लेना उसके बस की बात नहीं, वो इसके लिए पूरा ही नहीं उतरता। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सुई, एक नीडल दे देता हूं और कहता हूं इसकी इस स्केल से उसकी मोटाई मालूम कीजिए, आप कहेंगे तो ये तो इंस्ट्रूमेंट, ये पैमाना उसके लिए इनएडिक्वेट है, दैट इज इसकी लिमिट से बाहर है, क्या करना उसकी मोटाई मालूम करना। इसी तरह मैं स्केल आपको दे देता हूं, कहता हूं 2 किलोमीटर लंबाई मेजर करके आओ, जहां 2 किलोमीटर कंप्लीट हो जाए आप इस तरह से इसे करते तो जाएंगे, लेकिन आपकी मेजरमेंट में कोई भरोसा नहीं करेगा, आपका जवाब, आपका जो आंसर आएगा उसमें क्या आएगी, अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत। वजह क्या थी, क्योंकि आपने एक ऐसे ऑपरेटर्स का इंतखाब किया जिसकी जिसकी लिमिट से, जिसकी हद से, इसके उस सारे अमल से काम करना उसके बाहर था, इख्तियार से बाहर था, तो क्या करता उसने हमेशा जवाब अनसर्टेन देना था। ये थी पहली वजह, पहली रीजन किसके रूलमा होने की, अनसर्टेनिटी के मेजरमेंट में आने की। दूसरी वजह नेचुरल वेरिएशन, कुदरती तौर पे वेरिएशन हो रही है, द ऑब्जेक्ट बी मेजर, जिस ऑब्जेक्ट को आप मेजर कर रहे हैं नेचुरल वेरिएशन उसके अंदर आ रही है, नेचुरल वेरिएशन इन द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर, जिसकी आप टू बी मेजर, जिसे आप मेजर कर रहे हो उसमें नेचुरल। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक आइस का ब्लॉक देता हूँ दोपहर के 12 बजे और कहता हूँ इसका वॉल्यूम मेजर कीजिए, आप 12 के बजाय 12:30 मेजर करते हैं, तो आप जानते हैं उस वक्त तक आइस का थोड़ा हिस्सा मेल्ट हो चुका होगा और वॉल्यूम उतना नहीं होगा जितनी मैं आपसे डिमांड करूँ, तो आपके जवाब पे कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लेनी थी दैट इज नेचुरली वेरिंग, वो कुदरती तौर पे तब्दील हो रहा है। इसी तरह से मैं आपसे कहूँ ये एक रॉड है, इसकी मेजरमेंट ये आनी चाहिए 15 सेंटीमीटर आनी चाहिए, मैंने जो कैलकुलेशन की थी वो समर में की थी,
आपको मैंने कहा विंटर में, तो बताएं इसका जवाब सेम आएगा। समर में तो जवाब इसका लंबाई इसकी बड़ी हुई थी और विंटर में इसकी लंबाई कम होनी थी, क्योंकि समर में चीजें फैल जाती हैं, विंटर में चीजें सुखड़ जाती हैं। नेचुरल वेरिएशन की बिना पे नेचुरल वेरिएशन इसमें आनी आनी, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, इसमें ब्रिटिश का कसूर नहीं, इस वजह से आपका जवाब अनसर्टन होगा। ये दूसरी बड़ी वजह आंसर में वैल्यू में मेजरमेंट में अनसर्टनिटी आने की दूसरी बड़ी वजह। तीसरी वजह जो कि इसी का हिस्सा समझ लीजिए, इसी का पार्ट समझ लीजिए, इसे अलग-अलग पॉइंट बना लेते हैं, दैट इज नेचुरल इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन ऑफ अ पर्सन्स सेंसेस, ऑफ अ पर्सन्स सेंसेस। जो बंदा मेजरमेंट ले रहा है अल्लाह ताला ने उसमें कुदरती तौर पर रुक सकता है। पांच सेंसेस हैं हमारी, मैं आपसे कहता हूं कि इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से रीडिंग नोट कीजिए, रीडिंग नोट करें आया इसके अंदर जीरो एरर है या नहीं, या फिर मैं एक आपको एक पतली सी एक रॉड डिस्क दे देता हूं उसमें रखिए और इसकी रीडिंग नोट कीजिए। आपकी आई साइट ठीक नहीं, आपको दो तीन नंबर की एनक लगी हुई है, आप बहुत कोशिश करने के बावजूद एक रीडिंग लेते हैं, क्या मैं आपके लिए भी रीडिंग पे इतबार करूंगा, भरोसा करूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आप नेचुरली इस टास्क के लिए, इस अमल के लिए, इस मेजरमेंट के लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए नाअहल हैं। आप जो भी जवाब देंगे, आप जो भी पेमाइश लेंगे, दैट विल कंटेन अनसर्टेनिटी, उसके अंदर अनसर्टेनिटी आएगी, गैर यकीनियत आएगी। देखने वाला सुनने वाला क्या कहेगा, मैं इस बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि नेचुरली इम्परफेक्ट है आप, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। सो तीन रीजंस एरर के आने की, तीन रीजंस अनसर्टेनिटी के आने की, किसमें, किसी भी पैमाइश के अंदर। और एरर और अनसर्टेनिटीज एक दूसरे की जगह यूज हो सकती है, इनमें सिर्फ और सिर्फ एक फर्क अकरेंस का है, इसके अकर होने की वजह कुछ और है, इनके रूनमा होने की वजह कुछ और है, अनसर्टेनिटी कुछ और। जिस तरह स्पीड और वेलोसिटी किस एतबार से डिफरेंट है, डिपेंडेंस, ये डिस्टेंस पे डिपेंड, तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड, बाकी हर चीज सेम है, ठीक है जी। बाकी बहुत सी चीजें की सिमिलर, एक आध और चीज डिफरेंट होगी, लेकिन इसी तरह से एरर और अनसर्टेनिटी सिमिलर थिंग्स हैं, इनमें फर्क इनकी अकरेंस का है, इनके रूनमा होने का है। आइए अब जानते हैं एरर्स कितनी किस्म की, एरर्स कितनी किस्म, दो टाइप्स, दो मेन टाइप्स हैं एरर की, एक रैंडम एरर और दूसरा सिस्टमैटिक एरर। टाइप्स ऑफ एरर्स, एरर की टाइप्स, एरर की दो बड़ी मेन टाइप्स हैं, दैट इज रैंडम एरर और सेकंड वन सिस्टमैटिक। क्या फर्क है? रैंडम एरर जैसा कि नाम से जाहिर है, रैंडम बेहंगम एक ऐसा एरर, मैं बार 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 एक ही ऑपरेटर से मेजरमेंट लेता हूं, स्केल से मैं बार 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 इस पेपर बोर्ड की पेमाइश करता हूं, तो क्या नतीजा निकलता है? बार बार मेरा जवाब मुख्तलिफ आता है और अक्सर डिफरेंट आता है। कंडीशन सेम है, हालात सेम है, हर चीज सेम दी गई है, लेकिन मेरे जवाब बिल्कुल मुख्तलिफ आ रहे हैं। कभी 4.5 सेंटीमीटर आ रहा है, कभी 4.9 सेंटीमीटर आ रहा है, कभी 4.1 सेंटीमीटर आ रहा है, कभी 4.8 सेंटीमीटर आ रहा है, कभी 5.2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो अच्छे खासे इनमें डिफरेंसेस आ रहे हैं और रीजन पता नहीं चल रहे। देन इट इज अ रैंडम एरर, ऐसा एरर जिसमें कंडीशंस हालात सेम दिए गए, हालात एक जैसे थे रीडिंग लेते हुए, लेकिन जवाब मुख्तलिफ आए, तो कौन सा एरर है? रैंडम एरर। जब रैंडम एरर आ गया तो इसे रिड्यूस कैसे करें, क्योंकि एरर्स कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकते। एरर्स को सब क्या किया जा सकता है, बस एलिमिनेट किया नहीं जा सकता, रिड्यूस किया जा सकता है, लिमिट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो देखिए किस तरह से इस एरर को हम क्या करें, रिड्यूस करें। रैंडम एरर को रिड्यूस करने का ये तरीका है कि बार बार वो एक्सपेरिमेंट रिपीट कीजिए, बार बार एक्सपेरिमेंट रिपीट करने के बाद
जवाब रैंडम एरर से पार होगा, उतना रैंडम एरर जवाब में कम आएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो हाउ वी कैन रिड्यूस रैंडम एरर बाय टेकिंग एन एवरेज, रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स एंड टेकिंग एन एवरेज। बार बार एक्सपेरिमेंट रिपीट कीजिए और एवरेज लीजिए, आपके मेजरमेंट के अंदर रैंडम एरर रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज द वन वे टू रिड्यूस रैंडम एरर फ्रॉम मेजरमेंट। अब बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर जैसे नाम से ही जाहिर है, सिस्टमैटिक सिस्टम से, सिस्टम मींस अपरेटस। सिस्टमैटिक एरर आता कब है पहले तो ये जान लीजिए, जब हमारा जो अपरेटस है, जैसे कि हमारे पास एक आम सा स्केल है और ये एक अच्छा स्केल है इसके निस्बत। सिस्टमैटिक एरर तब आता है जब हमारा इंस्ट्रूमेंट चीप हो, हमारे इंस्ट्रूमेंट पे स्केलिंग अच्छे तरीके से ना की गई हो, हमारे इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन, लाइनिंग, नंबर्स, डिजिट्स जो है वो अच्छे तरीके से ना लिखे गए। ये सस्ता सा पैमाना है, क्या उम्मीद रख सकते हैं आप कि इसके ऊपर स्केलिंग अच्छे तरीके से की गई होगी? नहीं। इसी वजह से हमारे ऑपरेटसिस के अंदर एरर मौजूद होता है। एरर मौजूद होता है, उस एरर का नाम क्या है? सिस्टमैटिक एरर। और उसका मेजरमेंट में बहुत अहम असर, बहुत ज्यादा असर होता है। सो सिस्टमैटिक एरर किस वजह से है? हमारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से, हमारे ऑपरेटसिस की वजह से। और वो वजह क्या है? उनकी पुअर कैलिब्रेशन है, उनकी लाइनिंग ठीक नहीं है, उनकी स्केलिंग ठीक नहीं है, उनके जीरो करेक्शन नहीं है। ये सारी वजह जीरो एरर है उनके अंदर, ये सारी वजह सिस्टमैटिक एरर की है। तो सिस्टमैटिक एरर तो हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है, हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है। तो उसे कैसे रिड्यूस करें, कैसे रिड्यूस करें? कांट एलिमिनेट, वी कांट एलिमिनेट, वी कैन जस्ट रिड्यूस, लिमिट द एरर। सो किस तरह से सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस किया जाए, इसका हल ये है कि आप क्या करें, अपने स्केल को, अपने इंस्ट्रूमेंट को एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट के साथ कैलिब्रेट करवाएं, कंपेयर करवाएं, उसकी जीरो करेक्शन करें। और उसके लिए क्या तरीका है कि ये स्केल सस्ता था, ये स्केल महंगा है, तो अपने स्केल को क्या करें, इसके साथ कंपेयर करें। आपको फौरन पता चलेगा इस स्केल में कहाँ कहाँ लाइनिंग में गलतियाँ हैं, कहाँ कहाँ कैलिब्रेशन में गलतियाँ हैं, कहाँ कहाँ नंबरिंग में गलती है। फौरन से आप बजाए खरीदने के अपने इंस्ट्रूमेंट को ठीक कर लेंगे और फिर इससे जो मेजरमेंट ली जाएगी उस मेजरमेंट में सिस्टमैटिक एरर रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज अ वे क्या करने का, सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस करने का ये तरीका है। इस तरह से हम सिस्टमैटिक एरर को मेजरमेंट से रिड्यूस कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने ओवरव्यू दे दिया इस लेक्चर का। सबसे पहले हमने एरर्स और अनसर्टेनिटीज की डेफिनेशन देखी, फिर एरर्स और अनसर्टेनिटीज का फर्क जाना, डिफरेंस चेक किया ताकि आपके जहन में पुख्ता हो सके कि एरर्स और अनसर्टेनिटीज क्या है, फिर एरर की अकरेंस की रीजंस क्या है, किन वजहों की वजह से एरर आता है, किन वजूहात की वजह से अनसर्टेनिटी आती है, तीन वजूहात एरर के आने की, तीन वजूहात अनसर्टेनिटी के आने की। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़े, फिर हमने एरर्स को रिड्यूस करने के तरीके पढ़े। तो यहाँ से फाइव डिफरेंट क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला, रीजंस ऑफ अकरेंस ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट। दूसरा, रीजंस ऑफ अकरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तीसरा, टाइप्स ऑफ एरर। चौथा, डिफाइन रैंडम एरर एंड हाउ वी कैन रिड्यूस रैंडम एरर। पांचवा, define systematic error and how we can reduce systematic error from the measurement. These are the five questions. ये पांच question board के exams में आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये lecture पसंद आया होगा। मेरी मज़ीद videos के लिए मेरा channel subscribe कीजिए और like और share करें।